दिन भर के प्रायोजक हैं भारतीय ज्वेल्स एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर, के लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक, बनाई गई चुनावी रणनीति। सीएम योगी ने गोकुल अतिथि भवन में बैठक करने के बाद गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ बाबा का लिया आशीर्वाद। बुधवार को भी रवि किशन ने भरे दो पर्चे, अपने प्रतिद्वंदी राम भुवाल निषाद से की कलेक्ट्रेट परिसर में मुलाकात। गोरखपुर और बांसगांव संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, भरी जीत की हुकार। कैंट पुलिस ने पकड़ी 10,000 डायरियां, कुशीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह का लगाया फोटो, जरूरी कागजात न दिखाने पर किया गया जब्त। मनाया गया इलाहाबाद बैंक का 155वां स्थापना दिवस, जिला जज ने की कार्यक्रम में शिरकत। कैंपियरगंज पुलिस के हाथ चढ़ा 25,000 का शातिर, बदमाश कट्टा कारतूस बरामद। और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने की रैली, दिखाया जन समर्थन का दम। लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों के साथ एक बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महानगर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ के अलावा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, संयोजक, क्षेत्रीय, महानगर और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रत्याशी रवि किशन, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, विधायक शीतल पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल लाइन्स स्थित गोकुल अतिथि भवन में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और गुरु मंत्र देने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे कार्यों को देखने के लिए पहुंच गए। कार्यदायी संस्था को कार्यों के प्रति तेजी और गुणवत्ता युक्त कार्य करने का भी निर्देश दिया। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ बाबा का उसके बाद आशीर्वाद भी लिया और तत्पश्चात गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मकालीन महंत अवैधनाथ जी के समाधि स्थल पर मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
भाजपा के गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने जहां एक ओर मंगलवार को अपना नामांकन किया, वहीं दूसरी ओर बुधवार को भी उन्होंने दो सेट पर्चे भरे। इस तरह से कुल मिलाकर रवि किशन के तीन सेट पर्चे रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जमा हो चुके हैं। रवि किशन के पर्चा दाखिले के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन के राम भुवर निषाद से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने मानवीय आधार पर कहा कि निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और कलेक्टर परिसर में ही मुलाकात की। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए रवि किशन ने कहा कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कुल मिलाकर तीन पर्चे सबमिट कर दिया है। हमारे दो सेट जमा होने थे, वो दो सेट जमा करने आए, कल एक सेट हुआ कल, क्योंकि बहुत सारे प्रचार और उसमें और नामांकन और वहाँ सभा, उसमें हम दो सेट साइन नहीं कर पाए थे। आज वो दो सेट साइन हुए, वो हम मजिस्ट्रेट साहब को देने आए, उनको प्रणाम करने आए। आज काफी नए आप गए थे प्रचार के लिए, कैसा रहा? बहुत सुंदर। एक मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी के लिए जो प्यार मिल रहा है, पूज्य योगी महाराज जी ने जो गोरखपुर में कार्य किया है, योगी मोदी जी ने जो देश में कार्य किया है, उसका ही प्यार हमको मिल रहा है उनके 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 कैंडिडेट के रूप में, और एक आशीर्वाद मिल रहा है। रवि किशन को तो देश प्यार करता ही है, लेकिन उसके साथ मोदी जी योगी जी का नाम जुड़ गया, उनका सर पे हाथ आ गया, तो देश में जैसे प्यार हमको चारों तरफ से उमड़ रहा है। अच्छा, सामने नामांकन करके निकल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रचार दाखिला कर रहे हैं, आगे बाहर आ गए? नहीं, अब हम कहीं नहीं मिला, वो मानो को मिलता है, मनुष्य मनुष्य को मिलता है। ये प्रेम प्रेम में कौन थोड़ी है, वो तो भाई वो अपन लड़ा था ना, हम अपन लड़ा था ही लड़ा, उसमें कभी जीवन ऑफकोर्स यस मिलना चाहिए, लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है, मिलना चाहिए, काहे नहीं मिलना चाहिए। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी राम भुवर बुधवार को अपना पर्चा दाखिला किया। कलेक्टर परिसर में पांच प्रस्तावकों के साथ राम भुवर निषाद ने नामांकन किया। साथ ही बांसगांव संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने भी अपना पर्चा दाखिला किया। अध्यक्ष जी पीछे होइए थोड़ा सा, अध्यक्ष जी थोड़ा पीछे होइए, हाँ बस। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र से जीत की हुंकार भरी। पब्लिक का 100% उत्साह है गठबंधन के प्रति और कैंडिडेट के प्रति। अच्छा, अभी आपने नामांकन किया है, अभी रवि किशन जी भी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी वो तो कह रहे थे कि आपसे मुलाकात करेंगे, तो मुलाकात हमसे क्या करेंगे, मिलना है उसे मिले, और हम लोग जब आमने सामने हैं तो वो हमसे मिलने से कोई फायदा नहीं उनको। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं आप लोग? टक्कर वो कहीं लड़ाई में वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, ना कैंडिडेट लड़ाई में है उनका, यहाँ की गोरखपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कोई मतलब उनके दुख सुख और के न साथी है न रहेंगे। अभी ये अपना आए हैं, जैसे भी आए हों, फिर एक महीना के बाद ये खोजने से मिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी कल उन्होंने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया, उसमें कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, लेकिन एक दर्जन से अधिक मुकदमे आपके ऊपर हैं, तो किस तरह से फेस कर पाएंगे पब्लिक? ये तो सब फर्जी मुकदमे हैं हमारे ऊपर। जब हम लोग समाज के कार्यों में आ गया है, तो कुछ प्रभावशाली लोगों ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए।
दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। कैसे लड़ेंगे चुनाव? जिसे लड़ा जाता है वैसे लड़ेंगे चुनाव। आपका मुकाबला बीजेपी के लगातार दो बार विजयी सांसद से है, तो कैसे किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं उनको मात देने के लिए, क्या है? इस बार कोई मुकाबला नहीं है, कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी करनी ही जो है उनको एकदम बिल्कुल पीछे ले जा रही है। 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी जो है वो क्षेत्र की कसौटी पे कहीं भी खड़ा नहीं उतरे हैं। उनकी स्थिति ये है किसी गांव में वो प्रवेश तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपकी क्या योजना रहेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक के राजनीतिक जीवन में। मेरी योजना यही रही है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद जिस जनप्रतिनिधि का निगाह कभी भी न गया हो विकास के नाम पर, कामयाबी मिलने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी पे वहाँ पे विकास की योजना को ले जाना। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने बुधवार को 10,000 से अधिक डायरियों को बरामद किया है। आपको बता दें कि गाड़ी चेकिंग के अभियान के तहत सड़कों पर चार पहिया और दो पहिया वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान रेलवे स्टेशन स्थित पांडे पेट्रोल पंप के पास एक लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में कुशीनगर के कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह की फोटो और कांग्रेस का सिंबल लगी हुई डायरी बरामद हुई। साथ ही उसमें जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है खासतौर से स्थानीय समस्या का निस्तारण करने की बात लिखी हुई थी। जिस गाड़ी से लेकर जा रहे थे वह कागज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते पुलिस ने सभी डायरियों को अपने कब्जे में ले लिया। पकड़ी गई डायरियों के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि यह एक रूटीन चेकिंग के दौरान ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। जी, कैंट थाने में नॉर्मल चेकिंग के दौरान जो है कुछ पॉकेट डायरिया जो है चार पेटियां बरामद हुई, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास पॉकेट डायरी है, जिसमें कुशीनगर की कांग्रेस के प्रत्याशी की फोटो और उसमें प्रचार का सामग्री ऊपर अंकित है। और जब उसमें आज्ञा पत्र या अनुमति पत्र की बात हुई तो वो नहीं दिखा पाए, इस सिलसिले में उचित कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009993559081। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। इलाहाबाद बैंक के 155वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन बैंक की मुख्य शाखा पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला जज गोविंद बल्लभ मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से असलहा भी मिला है। यह अभियुक्त आए दिन लकड़ियों की तस्करी भी किया करता था। इस मामले में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CEO कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि कई दिनों से शातिर अपराधी की पुलिस को तलाश थी। कैंपियरगंज को आज थाना कैंपियरगंज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कई मुकदमे हैं, करीबन जो अभी मेरे सामने आपराधिक इतिहास है उसमें करीबन 10 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है जिसमें उसको पुरस्कार घोषित किया गया था। 25,000 का पुरस्कार घोषित है। मेजर जो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है लकड़ी की कटाई करना अवैध रूप से और उसको बेचना। ये जो लकड़ी है ये जो काटते हैं इसको महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर के एरिया में ये लोग अवैध तरीके से बेचा।
लोकसभा चुनाव में अपने फतह हासिल करने के लिए सपा बसपा गठबंधन ने एक रैली का आयोजन किया। यह रैली महानगर के तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित की गई। इस मौके पर सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, बसपा के जिलाध्यक्ष हरेंद्र यादव, सपा महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, महागठबंधन के गोरखपुर और बांसगांव संसद क्षेत्र के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद और सदन प्रसाद मुख्य रूप से इस रैली में मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। समाजवादी पेंशन बंद कर दिया तुहार फूल का ले, पिछड़ा अनुसूचित जात का छात्रवृत्ति बंद कर दिया तुहार फूल का ले, पिछड़ी जात का 1000 का वांट निकाला कलर के का, अब वहू में एक को पिछड़ी जात के आरक्षण नहीं, तुहार फूल का ले। आ जब केहू फूलवे नहीं तैयार बा लेवे के, तो सदल भाई आराम बुआर भाई ललकारत तनी मनी से नहीं जीतब, लाखों से विजय यही साथी हमारे कराएंगे, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, 10-20 हजार से जीतल जाए तो गठबंधन का मतलब का बा, कोनो मतलब बा का? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है समाजवादी साथियों। एक तरफ वह लोग हैं, एक तरफ वह लोग हैं जो देश में नफरत फैलाकर भारत के संविधान को तार तार के भारत माँ की जय बोलते हैं, आए साथियों, एक तरफ हम लोग हैं, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती और भारत के भविष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जो संविधान बचाकर भारत माँ की जय बोलना चाहते। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।